लास्ट क्लास हमने बात की थी राजस्थान के अंदर सूखे के प्रोग्राम से संबंधित थी। राजस्थान के अंदर सूखे और अकाल की क्या स्थिति है इसके बारे में। इसी तरीके के एक नए टॉपिक को आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनजाति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ट्राइब्स ऑफ राजस्थान के बारे में जिसके अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर साल एक या दो ट्राइब्स के बारे में स्पेशली पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्राइब्स के बारे में कि जनजाति क्या होती है। जनजाति एक्चुअली क्या है कि ये उन लोगों का एक समूह होता है जो सभ्यता से वंचित रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से, मॉडर्नाइजेशन से, इन प्रोसेस से ये जो लोग हैं ये क्या है दूर रहते हैं और इनसे दूर रहकर के अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही ये जीवन यापन करते हैं और इस तरीके के जीवन को जीते हुए ये जीवन पद्धति अपनी भाषा, अपने संस्कार और जो इनके ऑक्यूपेशन होते हैं यानी कि जो व्यवसायिक स्थिति है इसको ये कंटिन्यू रखते हैं, इसको ये संरक्षित रखते हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति बनती है उसे ही आदिवासी या जनजाति के नाम से जाना जाता है। क्या है कि ये एक ऐसे लोग होते हैं जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर के अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही अपना जीवन यापन करते हुए अपने जीवन पद्धति, अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी जो व्यावसायिक स्थिति है इन सबको क्या करते हैं अक्षुण बनाए रखते हैं और इस तरीके की जो स्थिति होती है उसे ही नाम दिया जाता है आदिवासी या जनजाति के नाम से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है कि ऐसे लोगों का समूह है जो प्राचीन जीवन पद्धति के अनुसार ही वर्तमान समय की जो विकास की अवस्था है इनको न अपनाते हुए यानी कि इनसे ये दूर रहते हुए क्या करते हैं कि जो इनके संस्कार होते हैं, जो इनकी भाषा है, जो इनका रहन सहन है, जो इनकी जीवन पद्धति है, जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व्यवसायिक स्थिति है, उन सभी को ये कंटिन्यू रखते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन को यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों के समूह को जनजाति यानी कि ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य के अंदर बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं जो विभिन्न जो प्रांतीय क्षेत्र हैं उनके पहाड़ी क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्रों के ऊपर और वन क्षेत्रों के अंदर प्राचीन काल की जो अर्थव्यवस्था की
क्रियाएं हैं उनसे ही अपना जीवन यापन करते हैं और उसी से विभिन्न जो प्राकृतिक वातावरण है इनमें रहते हुए आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं होते हैं उनको वर्तमान समय के अंदर भी इन लोगों के द्वारा मान्यता दी जाती है और उन्हीं को ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में अपनाते हुए जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय की जनजातियां हैं ये आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है बैकवर्ड है पिछड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इनका जो संपर्क है वो वर्तमान समय की जो वैज्ञानिक विधियां हैं जो टेक्नोलॉजी है इनसे ये लोग संपर्क नहीं कर पाए हैं जिस वजह से ये लोग वर्तमान समय में भी बहुत ही इतना अधिक विकास होने के बाद विज्ञान का उसके बाद भी ये लोग प्राचीन जो तरीके हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं और वर्तमान सभ्यता से ये लोग अछूते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से राज्य सरकार ने एवं जनजातियों के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया है जिससे इनकी इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा इनका जो सामाजिक संगठन है और आर्थिक जो क्षेत्र है उन सभी में कहीं ना कहीं चेंज आने लगा है। अनुसूचित जनजाति के आधार पर जनसंख्या जो है इनकी उसके आधार पर राजस्थान राज्य पूरे देश का छठा महत्वपूर्ण राज्य है जो किसमें डिपेंड है अनुसूचित जनजाति के आधार पर डिपेंड किया है यानी कि राज्य में जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है इसके आधार पर पूरे देश के अंदर किस राज्य का राजस्थान राज्य का छठा स्थान रहा है। उदयपुर जो है ये जनजातियों के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। बहुत सारे विद्वान हुए हैं इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने लिखा है जैसे गौरीशंकर कीरतचंद ओझा शेरिंग और कर्नल जेम्स स्टोर इन सभी की पुस्तकों का जो रेफरेंस है उससे जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान में दक्षिणी और दक्षिणी जो पूर्वी भाग है यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट जो एरिया है राजस्थान का उसमें क्या है कि भील जनजाति के लोग निवास करते हैं जो मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा और कोटा जिलों के क्षेत्र में फैले हुए हैं। जयपुर के ईस्टर्न पार्ट के अंदर यानी कि जयपुर जिले के पूर्वी भाग में आमेर और बूंदी और करौली क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से मीना जनजाति के लोग निवास करते हैं। गरासिया लोगों का जो जमाव है ये उदयपुर जिले में है और पाली और सिरोही जिलों के अंदर गरासिया जनजाति के लोगों का भी स्थान आता है। डामोर जनजाति की जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो सीमलवाड़ पंचायत समिति के अंदर है जो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इनका जो एरिया है 96.82% अकेले डूंगरपुर जिले के अंदर इनका क्षेत्र आता है। इसी तरीके से सहरिया जो जनजाति है इसके लोग लगभग 99% से अधिक जमाव सहरिया जनजाति का कहां पे है कोटा जिले के अंदर और कोटा जिले के अंदर भी शाहबाद जो पंचायत समिति है उसमें इनका मैक्सिमम जमाव पाया जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान की जो मुख्य जनजातियां हैं उनमें मीना भील गरासिया सहरिया डामोर सांसी ये महत्वपूर्ण जनजातियों के रूप में राजस्थान के अंदर निवास करती है। और जो इनके अलावा अन्य जनजातियां हैं जिनमें भाखा टावड़ी बावली काठोड़िया कालीधोर नेगदा पटेलिया ढोली भील और पाटवा जनजाति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में राजस्थान के अंदर निवास करती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान की मुख्य जनजातियों के बारे में ये राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। मेन ट्राइब्स ऑफ राजस्थान के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीना जनजाति के बारे में। राजस्थान के अंदर जो मीना जनजाति है इसका लगभग 51% से अधिक भाग राजस्थान के 5 जिलों के
जिनमें तो राजस्थान की जो मीरठ जाति है इसको जो प्रभाव है, यानी कि राजस्थान में जो मीरठ जाति का विस्तार है उसका लगभग 50% से अधिक भाग, यानी कि लगभग आधी मीरठ जाति की जो जनजाति की जो जनसंख्या है वो राजस्थान के 5 जिलों के अंदर मुख्य रूप से कहा राजस्थान के जो 5 जिले हैं उनमें निवास करता है। जैसे जो इसका मुख्य जमाव है दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिले, इन जिलों के अंदर राजस्थान की जो मीरठ जनजाति है उसका मैक्सिमम जमाव यहाँ इन जिलों के अंदर पाया जाता है, जिसमें राजस्थान की जो मीरठ जनजाति है, मीरठ ट्राइब्स है, इसका लगभग 51% से अधिक भाग इन 5 जिलों के अंदर निवास करता है। इन जिलों के अलावा राजस्थान में जो मीरठ जनजाति का जमाव है उनमें अलवर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर जिले शामिल किए जाते हैं, जहां पर इस मीना जनजाति का जमाव पाया जाता है। जो इसका कम जनसंख्या है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण भाग है इसका, जहां पे मीना जनजाति का जमाव पाया जाता है, जिसमें अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, बारा, कोटा, बूंदी, ये जिले भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जहां पर कुछ संख्या में मीणा जनजाति का निवास पाया जाता है। तो ये इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं मीणा जनजाति की फॉर्मेशन के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में। तो मीणा जो होता है इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? मत्स्य, या इसका जो अर्थ होता है वो मछली होता है। मीणा का जो अर्थ है इन्हीं है, वो क्या है कि या तो मत्स्य होते हैं इसको या मछली के नाम से इसको बोला जाता है, और इनकी जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण के अंदर प्राप्त होती है। पौराणिकता की बात की जाए तो उसके आधार पर इस जनजाति का जो संबंध है वो भगवान मत्स्य मत्स्य अवतार से है, यानी कि जो भगवान का मत्स्य अवतार है उससे इसका अर्थ होता है। लेकिन इस तरीके की जानकारी के जो प्रमाण है उनकी कमी पाई जाती है, और इसीलिए श्री चंद्रा गढ़ारी भगवान है जिन्होंने अपने भगवान महावीर नाम का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मत्स्यकुटु राज्य जो है ये दक्षिण में, मत्स्यकुटु राज्य के जो दक्षिण भाग है वहां पर यमुना नदी का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर जिलों के जो दक्षिणी क्षेत्र है वो सभी इसके अंतर्गत स्थित क्षेत्र था, और यहाँ के जो शासक थे वो मीणा, यानी कि मीणा के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो ये जो यमुना नदी के दक्षिण का या पूर्व का जो भाग था, यमुना नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र था जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर जिलों का जो दक्षिणी भाग है उसमें ये क्षेत्र इनका स्थित था, और इसके जो राजा थे जो इनके शासक थे
उनको मेना यानी कि मीना के नाम से जाना जाता था। और इस तरीके से वर्तमान समय के जो मीनापुर है ये इन लोगों में ही बंसल है। और क्षेत्रीय वितरण के आधार पर यदि देखा जाए तो अधिकांश लोगों की जो जनसंख्या है यानी कि मीना जाति के जनजाति के जो लोगों की जनसंख्या है वो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र के अंतर्गत ही पाई जाती है। और मीनाओं का जो संबंध होता है वो मछली से होता है। और ये जो संबंध है ये इसी तरीके से है जैसे भील जनजाति के लोगों का जो संबंध होता है तीर कमान से, उसी तरीके से मीना जनजाति के लोगों का जो संबंध है वो किससे है? मछली से होता है। मीना जनजाति के लिए मछली एक विशेष रूप में होती है, टैबू के रूप में होती है। इसके बाद में बात करते हैं मीना जनजाति की उपजातियों के बारे में, कुछ इसके सब टाइप्स हैं या जो हम कहेंगे सब चीजें हैं इसके। आगे बात करते हैं और इसके सब डिविजन्स के बारे में, यानी सब ट्राइब्स के बारे में, उपजातियों के बारे में। मीना जनजाति के अंदर मुख्य रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं। एक होते हैं इसके दो वर्ग होते हैं, एक होते हैं जमींदार कीड़ा और दूसरे होते हैं चौकीदार कीड़ा। ये दो वर्ग होते हैं इसके, जमींदार कीड़ा और चौकीदार कीड़ा। दक्षिण में जो मीनाएं हैं उनका निम्न कुल का उनको माना जाता है जिन्हें भेड़िया मुनि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर निवास करने वाले जो मीना है उनको निम्न श्रेणी के इनका धर्म माना जाता है और जिनको भेड़िया मीना के नाम से भी जाना जाता है। और जो उत्तर पूर्व के अंदर मीना लोग निवास करते हैं उन्हें उच्च वर्ग का माना जाता है। और दोनों वर्गों के अंदर खानपान और विवाह संबंधों के लिए क्या है? बैध है। लेकिन दोनों वर्ग जो है उत्तर पूर्व का और दक्षिणी जो वर्ग है इनके अंदर आपसी संबंध रिश्ते नातों का भी प्रतिबंध होता है, इनमें आपस में कोई भी विवाह संबंध भी नहीं होते हैं। उच्च मीना वर्ग जो है ये जयपुर के आमेर क्षेत्र के अंदर और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के मीना है वो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ करके क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यानी कि जो निम्न वर्ग है वो कहाँ से है? कोटा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत उनका स्थान है। इनके अलावा कुछ अन्य समूह भी पाए जाते हैं मीना के वर्गों में, कुछ सामाजिक संगठन के उसमें सामाजिक समूह भी डेवलप हुए इनमें। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं चौथिया मीना के बारे में। चौथिया मीना क्या है? मारवाड़ के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनके जो कमजोर जमींदार और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन्होंने गांव की रक्षा के लिए चौथ कायम करने की व्यवस्था की, जिससे कुछ मीनाओं का जो जवाब है वो इस दिशा की ओर हुआ और चौथ मीना
इसके बाद बात आती है आग बिना बिना से, आग बिना दूसरा वाला डिफिनेटिव जिसे उसा वाले वर्ब्स के जो बिलोंग होते हैं जिनको ए असली और एम उससे जो बिलोंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे शुद्ध मिलर के रूप में केवल आग बिना को जाना जाता है जो उसा वाले वर्ब्स के बिलोंग होते हैं। कर्टर को वर्कर भी यही चाहते हैं, उन्होंने भी यही माना है और से सभी जो मिलर है इन बिलोंग के अलावा उनको वर्ड सर्कल के नाम से भी जाता है। नेक्स्ट आ गया इसके बाद रावत मीणा। स्वर्ण हिंदू जो राजपूत है उनसे संबंधित जो मीणा है उन्हें रावत मीणा वर्ग के अंतर्गत रखा जाने लगा और उन्हें रावत मीणा के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद बात आती है चवरिया मीणा, जो मुख्य रूप से चवरे के कार्य उन्हें चवरिया मीणा के नाम से जाना जाने लगा। सुरतेवाद मीणा, जो कोई मीणा पुरुष किसी मालिक या ऐसी कोई स्त्री से संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे सुरतेवाद मीणा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब कोई मीणा पुरुष किसी अन्य निम्न श्रेणी की या निम्न वर्ग की जो महिला है उसके साथ संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे सुरतेवाद मीणा के नाम से जाना जाता है। ठेडिया मीणा, ये क्या है कि गोड़वा जो चादर प्रदेश है इसकी मीणा, इस क्षेत्र की जो मीणा है उनको इस नाम से जाना जाता है ठेडिया मीणा के नाम से। ये लोग गोमांस से भी घृणा नहीं करते हैं और ये लोगों के द्वारा गोमांस का भी सेवन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पढ़िहार मीणा। पढ़िहार मीणा क्या है कि इनका जो जवाब है ये मुख्य रूप से टॉप भीलवाड़ा और बूंदी जिले के अंतर्गत इनका मुख्य रूप से जवाब पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद भील मीणा। दो जनजातीय समूह यानी कि भील और मीणा ये दो जनजाति समूह है, दोनों अलग अलग जनजातियां हैं, एक भील जनजाति है एक मीणा जनजाति है। इसके लोग जब आपस में संपर्क में आते हैं तो जिसके कारण ये भील मीणा एक नई जनजाति के रूप में डेवलप हो गई है। इन दोनों के अंदर अजमेर मेवाड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंतर्गत इनका मुख्य रूप से विस्तार आया है जिन्हें भील मीणा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात थी इनके वर्गों के बारे में, इनकी उपजातियों के बारे में जिसमें हमने बात की थी चौकीदार मीणा और जमादार मीणा। इसके अलावा कुछ अन्य मीणा भी थे जैसे चौथे मीणा, आग मीणा, भावत मीणा, चवरिया मीणा, सुरतेवाद मीणा, खेड़िया मीणा और भील मीणा। इन सबके बारे में बात की। इसके बाद आगे बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। इनकी सोशल लाइफ कैसी होती है, सोशल लाइफ कैसी है इसकी सामाजिक जीवन की, तो मीणा जनजाति के जो विवाह संबंध नातेदारी और रक्त संबंध के जो नातेदारी होती है इसको सबसे अधिक प्राथमिकता माना जाता है। बहन का जो पति होता है उसको बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। मीणा जनजाति के लोगों के अंदर भोज प्रथा भी यहाँ पर पाई जाती है। इसमें ब्रह्मा विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाहों का भी प्रचलन मीणा जाति के अंदर था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर स्वाभाविक रूप से संपन्न हुए विवाह ही इसके अंतर्गत आ चुके हैं। मीणा जनजाति के अंदर विवाह विच्छेद का जो तरीका है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। जैसे किसी के साथ विवाह समाप्त करना है तो उससे संबंधित जो नियम है वो भी बहुत ही सीधे हैं और सरल है। यदि पति दुपट्टे का कुछ भाग फाड़ करके स्त्री के हाथ में देता है तो इससे पति पत्नी के जो संबंध है वो समाप्त माने जाते हैं।
को आपस में अलग रखना होता है पति पत्नी को। तो पति के द्वारा जो महिला है वो दुपट्टे के कुछ भाग को फाड़ करके महिला के हाथ में दे देता है, तो उससे इन दोनों के जो संबंध है उनको समाप्त माना जाता है। जो पति को त्याग चुकी हुई महिला होती है इस वर्ग की, इस जनजाति की, वो भी अन्य पति को चुन सकती है, अन्य किसी के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। पति के द्वारा त्याग गई जो स्त्री होती है उस स्त्री को, जो स्त्री है उसी वस्त्र को जो पति के द्वारा दुपट्टे से फाड़ा गया था, जैसे जो उससे अलग हुआ था पति, तो उसने जो उस महिला के दुपट्टे से वस्त्र को फाड़ करके उस महिला को दिया था, उसी वस्त्र को हाथ में लेकर और सिर पर जल से भरे हुए दो मटके लेकर उनके ऊपर रख करके इच्छित मार्ग से वो चल देती है। और जो भी पुरुष सबसे पहले उस त्यागी हुई स्त्री के सिर से जल के मटकों को उतारता है तो वही उसका भावी पति होता है। उस वस्त्र को लेकर के और वो हाथ में उसको लेकर के और सिर के ऊपर दो मटके जल से भर करके जो लेकर के वो अपने मार्ग से चल रही है, और जो पति के द्वारा त्यागी हुई स्त्री है वो इस वर्ग के अंदर वो जब मार्ग से आगे गुजरती है तो सबसे पहले कोई भी पुरुष जो आता है और जो पुरुष उसी को उसको उसका
इसके अलावा जो ये सामाजिक जीवन की स्थिति है, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, उसके बारे में हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे हम इनकी सामाजिक जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में, इनके ध्यान के संबंध में और इनके जो अन्य और भी स्थिति के बारे में।